आंटी दो बार फिर रहना उसकी दोनों के अंदर नहीं आना देखे फायदा उड़ा देखो पसीने रहे हो ये देखो सामने वाला ये इसे इस कैमरे से देखा थोड़ी जी ना देखो थोड़ी सौगी हो कन्ने आई होइयां हरी बार गुरु जी तू वहां कट करके
ਇਸੇ ਡੋਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਾ वेट करेंगे रे मेरा आइए बस तेरिया रो मामिया सुनो देखो सुनो सुनो देखो सुनो देखो सुनो देखो सुनो तो इस तरह से नानकी जो है वो तुलसी माता रानी को अभी अंदर लेके जाएंगे से ऊपर का टाइम हो चुका है तो अब आपको पता है खाने का समय हो गया है तो अब जो है बैंड बैठ चुकी है और हमारे देखिए पूजनीय पंडित जी भी बैठ चुके हैं पंडित राम राम जय श्री राम तो अब हम खाना करेंगे सभी इकट्ठा मिलके और अभी जो कि हमारा गांव वाले हैं ना तो वो भी आ चुके हैं बहुत बड़ा लंगर है काफी दाम है बड़ी दाम अरे यहाँ पे ऐसा रिवाज है जो कि पहले खा लेते हैं और उसके बाद जो कि घर वाले होते हैं ना या पछापरौना कोई भी आएगा घर में तो उसके लिए घर को लेके चलते हैं तो ये टिफिन में लेके जाते हैं और इस साइड को वैंड बैठी हुई है और उस साइड को भी आप देख सकते हैं और इस साइड को रसोई लगी हुई है तो फाइनली हमने यहाँ खाना वाना हो गया हमारा और यहाँ पे जो है सभी बंदे अब खाना खाएंगे और फिर अपने अपने घर को लेके जाएंगे खाना भी तो दोस्तों मैं ये वीडियो आपके साथ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और गाँव जो है करलोटी खद्दर से दिखा रहा हूँ तो ये देखिए पाँचवीं वैंड बैठ चुकी है बहुत बड़ी बड़ी बैंटे बैठ रही थी तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब हम नीचे बैठ के जब खाना खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और खासकर जो के पत्तल देसी हो ना तो क्या ही कहने तो इस साइड को भी आप देख सकते हैं ये गेस्ट मेहमान और ये चल रहा है अपना इस साइड पे रसोई रवि जी हेलो और इस साइड ललित जी तो सभी अपने अपने कारोबार संभाल रहे हैं ड्यूटी बांटी गई है ना डैडी ने ड्यूटी बांटी है खाते हुए रोटी रात आ चुकी है ठाकुर महाराज जी आ चुके जैसे कि विधि विधान पूर्वक शादी हो रही है चला आ जा वेट करें चलो तो दोस्तों देख सकते हैं ठाकुर महाराज जी आ चुके हैं और हम इनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि ये हमारे इलाके में आए और पाम धरे और इलाका जो है शुद्ध हो गया तो आज जो है
तुलसी का विवाह आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं पहाड़ी मुंडा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए पहाड़ी रिलेटेड ही आपके लिए मैं लेके आता हूँ ब्लॉग। तो आशा करता हूँ दोस्तों ब्लॉग पसंद आएगा और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पूरा विधिपूर्वक विधान जो है मैं साथ ही आपको बता रहा हूँ। ब्लॉग 4 या 5 पार्टों में होगा। तो हमारे पंडित जी श्री नंदलाल जी जो कि कथा वाचक हैं, तो ये ठाकुर महाराज को बारात लेके आए हैं। तो हमारे जो के प्रिंसिपल साहब जी हैं तो ये इनका स्वागत करता है और सभी इलाका निवासी भी इनका स्वागत करते हैं और जितने भी यहाँ पे बराती आए हुए हैं उनका मैं पहाड़ी मुंडा तहदिल से स्वागत करता हूँ एवं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो सभी को, धन्यवाद जी। तो ये देखिए बारात आई है पूरे विधि पूर्वक तरीके से दोस्तों। तो ये खुशकिस्मत नसीब वाले होते हैं जो इस घड़ी की पावले का जो के इंतजार था। तो इसमें जो सभी बराती आए हुए हैं तो उनका मैं तहदिल से धन्यवाद करूंगा और एक बार फिर से मैं आपके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का स्वागत। तो ये चीजें जो है देखने को नहीं मिलती। आज मैं भी पहली बार आपको इस YouTube के माध्यम से लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो जितने भी हमारे छोटे बच्चे देख रहे होंगे इस ब्लॉग को तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसी चीज़ों को हमें अपना बढ़ चढ़ के बढ़ावा देना चाहिए जो कि हमारा सनातन धर्म है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे ठाकुर महाराज जी जो हैं तो वो पधार चुके हैं। तो आदरणीय नंदलाल पंडित जी आप सबका हम स्वागत करते हैं यहाँ पे और हमारे पंडित प्रिंसिपल शर्मा जी ओम प्रकाश जी तो वो भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। तो आपके दिल में जो ये शादी का विचार बना तो एकदम से बना या किस तरह से आपका जो कि व्यू है तो मैं लेना चाहूँगा। जय श्री राधे। हाँ जी, ये जितने भी कार्य हरी इच्छा से होते हैं। हाँ जी, इंसान के करने का इसमें कोई कार्य नहीं है। ठीक सर, जो भगवान जैसा चाहते हैं वैसे ही करवाते हैं और जिसके माध्यम से होना चाहे वो खुद प्रेरणा से। हाँ जी, दोस्तों जैसा कि इन्होंने पहले यहाँ पे भागवत बचा हुआ था तो उसके वक्त जो था ये भी एक समय होता है, शायद यही कारण बना हो शादी का। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी सभी समस्त इलाका निवासियों की तरफ से आपको लख लख बधाई देता हूँ और ठाकुर महाराज को यहाँ पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए हमारे पंडित जी जो हैं बिल्कुल विधि पूर्वक जैसे हम अपने शादी में करते हैं वही उसी विधि विधान तरीके से जो है हमारे पंडित जी जीवन जी कार्य कर रहे हैं।